शेयर होटल इंडिया एक ए ए ओए इंडिया का नाम लिया भाई ओए चक्कर क्या है भाई इंडिया का नाम क्यों लिया है भाई अब मेरे खुजली हो रही है तो गाइस द मा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड माउथ 3D एक्स चेतन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द रैंकिंग्स ऑफ एवरी डब्ल्यूब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल रेन ऑफ द शील्ड में फ्रॉम वर्स्ट टू द बेस्ट यानी कि जो नीचे रहेंगे वो थोड़ा बेकार से और जो ऊपर वो सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रह जाएगा बिकॉज कुछ स्पॉट हम छोड़ने वाले विल रिव्यू की एक्चुअली में ये जो है उस स्पॉट पर डिजर्व भी करते हैं या नहीं सो ओवरऑल इलेवन रेन है जिसपे नंबर इलेवंथ पर सबसे नीचे सबसे वर्स्ट में जो रेन रखा गया है वह रोमन रेन का डब्ल्यूब्ल्यू डब डब चैंपियनशिप रेन ऑफ टू 2015 जो कि हम सबको पता है कि कैसा था ये आई थिंक पांच मिनट पंद्रह सेकंड वाला जिस पर शेमस की लिटरली बन चुकी थी एन इमोशनल मोमेंट भाई सब कन्फर्टी फटी जा रही थी भाई ऐसा लग रहा था कि गई खत्म ही नहीं हो रही थी बट देन कम्स द गेम ट्रिपल एच इफ एनी अगर हमें कोई चीज सीखनी चाहिए वो ये कि अगर मैच के बाद ट्रिपल एच in That means, कुछ होने वाला है शेड्स ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन यहां पर देखने को मिले जब कैशियन देखने को मिला शेमस की तरफ से एंड ही बिकेम द न्यू चैंपियन ब्रॉक किक मारने के बाद और वो सेलिब्रेशन खत्म हो गए सो so, बहुत ईजीली मेरे को लगता है कि ये इस स्पॉट पर रहना चाहिए था क्योंकि पांच मिनट पंद्रह सेकंड का अगर कोई रेन है तो वो भी क्या कोई रेन है अब उसी के सिमिलर में नंबर टेंथ पर आया सेथ रॉलिन्स का डब्ल्यूबू चैंपियनशिप रेन अब आपने कैस कर लिया कौन सा मनी इन द बैंक टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन बड़ा बैंगर मैच रोमन रेन एंड सेथ रॉलिन्स है

स जैसा केस ही रहा Now, आते हैं नंबर नाइन्थ पर जो है रोमन रेन्स का डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप रेन फ्रॉम 2015 थाउजेंड टू टू वेल 2015 में जब सर्वाइवर सीरीज में शेमस ने चैंपियनशिप जीत ली थी उसके कुछ दिन के बाद दिसंबर के अराउंड रोमन रेंस ने दोबारा से चैंपियनशिप जीती और यह वाली बड़ी स्पेशल सी थी क्योंकि रॉ में देखने को मिला था यार टाइटल वर्सेज करियर मैच रॉ में रोमन रेन्स ने हराया शेमस को और पता है क्या उस टाइम पे आपको पता ही है कि रोमन रेंस किस तरह से ऑर्ड्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे मतलब इतने इतने के अगेंस्ट लड़ रहे थे कि 2016 की रंबल भी वन वर्सेस ऑल बन चुकी थी तो ये रोमन रेंज का उस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा था एंड टू बी ऑनेस्ट अगर रोमन रेंज के टाइटल रेंज को रैंक करना होगा तो मेरे को लगता है कि उस टाइम के जो टाइटल रेंज थे वो ऐसे नीचे स्पॉट डेफिनेटली डिजर्व करते हैं और ये टाइटल किस तरीके से खत्म हुआ आपको तो पता ही है सक्सेसफुल डिफेंड नहीं कर पाए जब रॉयल रंबल 2016 में ट्रिपल एच जिन पर अटैक किया था रोमन रेंस ने वो रिटर्न कर कर यहां पर टाइटल जीतते हैं ना नंबर एट पर रखा है रोमन रेंस का ही डब्लब्ल्यू चैंपियनशिप रेन जो कि अभी करंट में चल रहा है अब करंट रेन की बात तो हम कितनी ही कर सकते वो तो हम सबको पता ही है हालांकि ये डब्लब्ल्यू चैंपियनशिप रेन इतनी नीचे इसीलिए क्योंकि ये अभी अभी स्टार्ट हुई है यानी कि रसलमिन थर्टी एट में जब उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप यू नो यूनिफाई कर ली थी जब ब्रॉक लेसनर जो कि डब्ल्यू चैंपियन थे उनको हरा के यूनिवर्सल टाइटल के साथ साथ डब्ल्यू टाइटल भी कैप्चर कर ली उसके बाद एज सच उन्होंने इस, इस टाइटल के साथ उतना कुछ कमाल दिखाया नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर व्यूज में वो एबसेंट भी थे एंड uh, हमें टैग मैच भी देखने को मिला था तो उस टाइटल का डिफेंस भले ही कम हुआ होगा बट एट द सेम टाइम इसीलिए उसको नीचे भी रखा गया है नंबर फिफ्थ पर रखा है सेथ रॉलेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन 2019 का वो भी उनका सेकंड रेन अभी फर्स्ट रेन तो आपको पता ही है कब हुआ था बट सेकंड रेन जो कि समर स्लैम में ब्रॉक लेजनर को हराने के बाद आया था दैट वाज एक्चुअली गुड और इज इट बिकॉज उस टाइम पे पर सैथ एक ऐसा बंदा बन चुका था जिसके लिए लोग फुल सपोर्ट में थे पर जैसे ही टाइटल आ रही थी फॉर सम रीजन पीपल वर हेटिंग दैट रेन तो इसीलिए मेरे को लगता है कि उतना आइकॉनिक रेन का वो नहीं रह पाया जो कि मेरे को लगता है कि बंदा डिजर्विंग करता है सो so अगर वो टाइटल रेन्स उस टाइम पर जीती थी ने मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस समय करंट कैरेक्टर है द विजनरी वाला वही सेथ रॉलिन्स जीतना चाहिए था टाइटल्स अभी तक है यूएस टाइटल के साथ वो यूनिवर्सल टाइटल से ज्यादा क्रिएट कर सकता है इतनी क्षमता रखता है Rollins, है है अपना बट हम हम सबको पता कि कि हुआ क्या था 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 किस तरीके से खत्म हुई ये ये टाइटल टाइटल रेन रेन उसके बारे में हम याद ना ही रखे तो अच्छा है। ये है कि जो इनका इसके पहले वाला यूनिवर्सल उससे तो ज्यादा ही खास था पर का 2016. अभी ने नहीं जीती हैं बट वो जो कैशिंग के बाद जो विक्ट्री आई थी वो भी मेरे को लगता है कि बड़ी अंडर टाइटल रेन था क्योंकि उसके बाद उन्होंने ऐसे स्पेशल मैचेस नहीं लड़े हैं बिकॉज अगर आप दस शील्ड का वो बैटल ग्राउंड वाला मैच अगर हटा दो तो उसके अलावा जो उनकी भाई समर स्लैम में डॉफ जिगलर के साथ लड़ा था बंदा समझ रहे हो एंड आई एम नॉट डिग्रेडिंग डॉफ जिगलर बट एट द सेम टाइम अगर आपके कार्ड में जॉन सीना वर्सेस एजी स्टाइल्स ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ओटन टाइप के मैचेस हो तो कहीं ना कहीं डॉफ जिगलर वर्सेस डीन एम्ब्रोस में वो मजा नहीं आने वाला एल हम सब लोग उससे ज्यादा फिन बैलर वर्सेज सेथ रॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे तो लाइक आई आई डोंट नो मैन वट टू से बट डॉफ सिगलर वर्सेज डीन एम्ब्रोस वॉज डेफिनेटली वेरी मच अंडर डिलीवर्ड राइवलरी और उतनी लंबी चली भी नहीं थी बट थैंकफुली एजेस स्टाइल्स ने डीन एम्ब्रोस कराकर वहाँ पर चैम्पियनशिप जीत ली थी जिसके बाद आइकॉनिक रेन चला था एजेस स्टाइल्स का बट डीन एम्ब्रोस का वो छोटा सा टाइटल रेन था एटलीस्ट फैंस के दिलों में वो मेमोरी बना के चला गया कि हाँ डीन एम्ब्रोस ने कभी टाइटल भी जीती थी क्योंकि अगर वो नहीं होता तो तेर इज नो वे की डी एम्ब्रोस के पास दोबारा से चैंपियनशिप आने वाली थी नंबर टू पर सेथ रॉलिंस का डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप रेंग ट एंड इट कम्स टू द शील्ड आई थिंक सेथ रॉलिंस का ये बेस्ट रेन था विद दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप बिकॉज उसके बाद यूनिवर्सल टाइटल के साथ तो वो एज सच कुछ स्पेशल नहीं कर पाए मैं इतना भी बिलीव रखता हूं कि आज की डेट में यानी कि 2022 अभी चल रहा है उसके बाद से कभी भी सेथ सेथरॉलिस्स ने अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यू डब्ल्यू डब 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 चैंपियनशिप जीती है तो वो अपने इस रेन को डेफिनेटली सरपास करेंगे लोगों को एक ऐसा फ्लेवर देंगे जिनको वो सेथरॉलि टू थाउजेंड फिफ्टीन को भूलने पर मजबूर कर देंगे सेथ सेथरॉलिस्स इज दैट टाइप ऑफ सुपर इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग और ये विजनरी जो अभी चल रहा है वो आर्किटेक्ट को सरपास करेगा बट अभी के लिए नंबर सेकंड पर आर्किटेक्ट कर रखना मेरे को लगता है कि बहुत ही लाजमी था क्योंकि उस टाइम पर एंटरटेनिंग टीवी दे रहा था तो चैंपियन बनाना के पास था एक स्टार बनने का जिसकी वजह से दो का वो टाइटल रेन बड़ा ही आइकॉनिक रहा मेरे को लगता है कि अगर वो इंजरी नहीं होती तो कितना मजा आता रेन देखने को मिलता बिल्कुल अनपीटेबल वाला तो आई थिंक आई वुड अग्री विथ बट नंबर वन पर कौन है रोमन रेन्स का यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन जो अभी चल रहा है जो कि चला था दो हजार बीस में कोरोना के टाइम पर रोमन रेन्स ने ब्रे uh, वाइटन के मैच में रिटर्न करके, जो अपना दिखाया था और उसके बाद यूनिवर्सल टाइटल जीती थी पॉल हेमन के साथ ऑल ऑफ दैट टू द करंट सीओ जहां पर हराकर स्टिल द यूनिवर्सल चैंपियन एंड डब्ल्यूब्लू चैंपियन है आई थिंक दैट इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ शियर डॉमिने

चैंपियनशिप जीत सकते हैं बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट इमेजिन रोमन रेन लूजल टू पार्ट टाइमर लाइक रॉक इवन दो यूनिवर्सल टाइटल रेन इट कम्स टू दील्ड एक परफेक्ट डॉमिनेटिंग टाइटल रेन बनकर निकला इसीलिए उसको नंबर वन स्पॉट पर रखा गया एंड आई कंप्लीटली अग्री विद रोमन रेन्स का यह टाइटल रेन एंड सेथ रॉलि का वो टाइटल रेन में लिखकर बताना अपना शील्ड का title रेन यानी कि शील्ड के किस मेंबर का कौन सा टाइटल रेन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया थिंक मैं भी रोमन Reigns के इस यूनिवर्सल टाइटल रेन के साथ ही जाना चाहूंगा कमेंट्स में लिखो और अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो